आज के इस वीडियो में एक बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा होगी। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, नए कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका परिचय कराने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण है, जाड़े के दिनों में अक्सर हम लोग अलाव या आग जलाते हैं ताकि वातावरण में उष्मा या गर्मी महसूस हो। इस अलाव को जलाने से होता क्या है कि आसपास के रीजन में, क्षेत्र में एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है उष्मा का, और हर एक बिंदु पे आपने देखा होगा कि टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है। जब हम अलाव के काफ़ी करीब हैं तो उस केस में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगता है, तापमान कम होने लगता है। ओके, इसी तरह जाड़े के रातों में जब कोई आयोजन होता है तो बोन फायर, बहुत सारे अलाव जलाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक अलाव पूरे रीजन के वातावरण को उष्मा देने में सक्षम नहीं है, यानी साफ है कि इस अलाव का अपना कोई प्रभाव क्षेत्र होगा, उसी प्रभाव क्षेत्र के अंदर ये अपनी उष्मा दे पाएगा। ओके, ऐसे तापमान स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अपने अराउंड जो फील्ड या प्रभाव क्षेत्र क्रिएट किया वो एक स्केलर फील्ड होगा। मालूम है आपको कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। अब हम अगर इस अलाव के जगह पर एक कोई चार्ज बॉडी रख लें, ओके, तो ये चार्ज बॉडी भी अपने रीजन ऑफ स्पेस में एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यहाँ हम तापमान महसूस कर रहे थे, यहाँ पे तापमान महसूस नहीं होगा। अच्छा, जैसे अलाव के चारों ओर प्रभाव क्षेत्र दिखता नहीं है, उसी तरह से चार्ज के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र भी आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर कोई थर्मोमीटर लाते तो हमको टेम्परेचर पता चलता, उसी तरह से हमको पता करना है इस चार्ज का प्रभाव क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वैसे केस में हमको एक दूसरा चार्ज लेके आना पड़ेगा और वो चार्ज उसके प्रभाव को अट्रैक्शन या रिपल्सन के टर्म में एक्सप्रेस करेगा। ओके, या तो चार्ज पे अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्सन होगा। तो ये जो रीजन ऑफ स्पेस जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज पे अपना प्रभाव डाल सकता है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? तो क्यू का। देखिए यहाँ पर क्यू हमने क्या लिखा है, सोर्स चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्रोत है, सोर्स है। दूसरा हमने टेस्ट चार्ज लिखा है, टेस्ट चार्ज का काम टेस्ट करना है। ओके, आगे चल करके पता करेंगे कि टेस्ट चार्ज क्या क्या कर पाएगा। तो अब हमको जिस तरह से यहाँ पर हीट के कारण टेम्परेचर हुआ था, और हमने उस रीजन में जो हीट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी डिजाइन किया, और क्वांटिटी था टेम्परेचर, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर था, उसी तरह से चार्ज के अराउंड अगर हम बात करें तो चार्ज के अराउंड अलग अलग पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा, और उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल टर्म है जिसका डेफिनेशन लिखा हुआ रीजन ऑफ स्पेस, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर उसका एरिया है ना मैथ के फॉर्मूला से निकालना है, आपको एरिया नहीं निकालना है। यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी निकालना है, वो क्वांटिटी कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ओके, ये ई से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन है, जो कि डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स है ना पर यूनिट चार्ज। इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो मैथमेटिकली अगर आपको इसको लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो आपको मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन जो है ई इज इक्वल टू लिमिट, एक लगाते हैं क्यू नॉट टेंस टू जीरो, बताएंगे ए भी क्यों, एफ डिवाइडेड बाय
क्यू नॉट, है ना, ये पूरा वेक्टर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिमिट वही मैथमेटिक्स वाला लिमिट है जिसको हम लोग समझेंगे, और एफ क्या है, फोर्स। ओके, तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी किस पे, टेस्ट चार्ज। और यहाँ पर टेस्ट चार्ज का मतलब यूनिट चार्ज बेसिकली पॉजिटिव नेचर का लेते हैं, ऐसे हम नेगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन मिल गया। अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, आप डायरेक्शन नहीं चाहते हैं, तो वेक्टर हटा दीजिए, यह बदल जाएगा लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो एफ डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ से वेक्टर हट जाएगा ऐसा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल बातें होंगी, जैसे अगर आपको, है ना, इसका SI यूनिट निकालना है, हम लोग अक्सर SI यूनिट पे चर्चा करते हैं, तो फोर्स के लिए तो न्यूटन हो गया, और कूलम आपका चार्ज के लिए तो ये न्यूटन पर कूलम। या एक और है जो अभी आपको नहीं मिलेगा, अभी आपको नहीं दिखेगा, वोल्ट पर मीटर। यहाँ से चाहें तो हम इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ओके, न्यूटन के लिए डायमेंशन आप लिखते हैं ML T-2, और चार्ज के लिए बताया गया था चार्ज वाले में 80, और चूंकि यहाँ माइनस इसलिए दोनों पे माइनस होगा, मिला देंगे तो ML T-3 और A-1, ये डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कुछ और भी बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखेंगे, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका जनरल फॉर्मूला आपके पास F=Q(E) के बराबर होगा। याद रखेंगे, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर आप एफ वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर लिखेंगे। साफ तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को प्लेस कीजिए। और अभी बोले कि टेस्ट चार्ज बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होगा, तो अकॉर्डिंगली उस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन वही होगा। यहाँ तक की बात हो गई। अभी हम लोग टेस्ट चार्ज की बात बहुत कर रहे थे, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, यहाँ पर क्यू नोट क्यों डिनोट किए हैं। तो यहाँ जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट है उसके बारे में साफ जान लें, उसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को टेस्ट करना, है ना। जैसे कई बार आप इलेक्ट्रिक लाइट को चेक करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कई बार आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा, आजकल बड़ा कॉमन सा बीमारी है डायबिटीज, डायबिटीज में शुगर टेस्ट होता है। तो शुगर टेस्ट में ब्लड के अंदर जो शुगर कंटेंट है उसको चेक करते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं करते कि पूरे बॉडी का ब्लड निकाल करके और तब टेस्ट करते हैं, एक ड्रॉप काफ़ी है, एक ड्रॉप ब्लड से शुगर टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। या सिरिंज में कुछ ml ब्लड ले करके आपका सारा टेस्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हमको अमाउंट कम चाहिए, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ अगर हम क्यू नोट की बात करें तो क्यू नोट का भी अमाउंट कम चाहिए। दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, अक्सर आयोजन में जो खानसामा होता है, सेफ होता है, बहुत सारा खाना बनाता है, और वो सभी खाने को टेस्ट भी करता है, टेस्ट करने के लिए एक एक चम्मच लेकर टेस्ट करता है। अगर वो सभी खाने को एक एक थाली लेकर के टेस्ट करे तो उसकी और उसके पेट की हालत क्या होगी वो समझ लीजिए। और साथ ही साथ अगर वो पूरा अपना पार्टी के साथ टेस्ट करने लगे, 20 लोग के करीबन आते हैं खाना बनाने के लिए, त
तब जो पार्टी में खाना खाने आएंगे उनके लिए कम पड़ जाएगा। रीजन एग्जैक्टली ऐसा ही है। टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए जो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करे, है ना। अब देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप लिखते हैं पॉइंट चार्ज का, पहले अभी निकालेंगे तो देखेंगे हम लोग, ये 1/4πε0Q/r² होता है। अभी ये एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे तो यहाँ पर Q जितना ज़्यादा होगा उसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा, रीजन ऑफ स्पेस होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर Q किसी अमाउंट का और उसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा है। दूसरा टेस्ट चार्ज जो है वो भी छोटा नहीं है, वो भी बड़ा है, मान लीजिए कि क्यू डैस, और वो भी अपना प्रभाव क्षेत्र ऐसा दिखा रहा है। इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और ऐसा लगेगा कि इस चार्ज का फील्ड यहाँ भी है या इस चार्ज का फील्ड यहाँ भी है, क्योंकि इन्फ्लुएंस से हम लोग चेक कर रहे हैं। अब यही चार्ज अगर बहुत छोटा हो, है ना, इनफाइनिटिसिमल स्मॉल हो, तो वो अपना फील्ड भी क्या करेगा, बहुत छोटा बनाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो बहुत छोटा बनाएगा, अब ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये बाहर है, इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये फील्ड के अंदर आएगा, इसका अपना भी फील्ड रहेगा और ये चार्ज का फील्ड, दोनों ओवरलैप कर गया, इंटरेक्शन होगा, फोर्स के टर्म में इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, आप फील्ड चेक कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, क्यूनोट जो होना चाहिए, क्यूनोट है ना, ये टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। इसीलिए आपने लिमिट भी लगाया है, लिमिट टेंस टू जीरो, वेरी स्मॉल सच दैट इट विल नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओरिजिनल चार्ज, ओरिजिनल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अभी चलिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चाहिए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये जो रीजन ऑफ स्पेस स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज के राउंड दिखा, यहाँ पर आप एक सेंटर पे पॉइंट चार्ज ले लीजिए। पहले तो आप चार्ज सिस्टम एज्यूम किए थे, अब सेंटर पे पॉइंट चार्ज ले लीजिए। अब इस पॉइंट चार्ज से ओके, इसको सेंटर पे रख के किसी डिस्टेंस आर पे, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखिए। ऑब्वियस है कि क्यू नोट या तो अट्रैक्टेड होगा और नहीं तो रिपल्ड होगा। तो ये सबसे पहले आप, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लीजिए बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट, कूलम्स लॉ से निकल जाएगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कांस्टेंट के साथ, है ना, क्यू वन के जगह पर क्यू, क्यू टू के जगह पर क्यू नोट और आर स्क्वायर और यहाँ पर आर कैप। चलिए इक्वेशन वन हो गया। अब ये जो आप मैथमेटिकल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देख रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू आपके पास इतना है। एक काम कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए और अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू, लिमिट रहेगा, रहने दीजिए, क्यू नोट टेंस टू जीरो भी रहने दीजिए, 1/Q0 लिख लीजिए और एफ का वैल्यू वहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 1/4πε0 क्यू क्यू नोट बाय क्या, आर स्क्वायर। यहाँ पर ये क्यू नोट और क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा,
जब Q0 कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट तो Q0 पे लगा था और Q0 वहाँ मौजूद नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q/r2। हाँ, यहाँ पर आपके पास r कैप भी था तो यहाँ r कैप भी लगा दीजिए। और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो E हो गया, कांस्टेंट के लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्यू स्केलर, ओके, आर स्क्वायर भी बाहर, और आर कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस कितना होगा, तो 1 होगा। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मिल गया। ये एक्सप्रेशन है ना, ये क्या था, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखा है मैंने ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्ट टर्म होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के जगह पर कभी कभी यूज हो जाते हैं, ऐसे डेफिनेशन में थोड़ा सा अलग था। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार देखेंगे, बुक में भी लिखा हुआ रहेगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहता है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करना है, और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके पास ये मौजूद है। ओके, एक बात और कह रहे थे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन कहीं भी चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट पर रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण यहाँ फोर्स जो लगेगा वो अवे लगेगा, रेडियली अवे, ओके, आउटवर्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन देखेंगे वो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लें तो क्या होगा, यहाँ अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव कट जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं रहा, एक्सप्रेशन तो वही रह गया। हाँ, जब डायरेक्शन एसेस करने जाएंगे, डायरेक्शन कैलकुलेट करने जाएंगे, तब आपके पास सिचुएशन क्या होगा, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ओके, तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि अगर टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लिया जाए तब क्या होगा, तो आपको आंसर देना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। अब सवाल यह है कि आपको लेना क्या है, तो बाय कन्वेंशन टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है।